ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुजानपुर की बैठक ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें सुजानपुर के प्रभारी एवं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया भी विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में मुख्य मुद्दा उठा कि सुजानपुर के विधायक चंद लोगों से ही घिरे रहते हैं, जो मात्र मंच पर ही दिखाई देते हैं। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि विधायक का संगठन से कोई तालमेल नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने विधायक राजेंद्र राणा को संगठन के साथ चलने के लिए कहा। ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा ने कहा कि सुजानपुर बीस चुनाव में कार्यकर्ताओं ने मिलकर कार्य कर उम्मीदवार को जीत दिलवाई है। आगामी लोकसभा चुनावों में भी पार्टी जिस भी उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी, संगठन तालमेल से कार्य करेगा। वहीं प्रभारी कुलदीप पठानिया ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने लोगों को काला धन वापस लाने, महंगाई और भ्रष्टाचार के नाम पर गुमराह किया है, लेकिन अब जनता भाजपा के झूठे वायदों में नहीं फंसने वाली है। इस बार हिमाचल की चारों लोकसभा सीटें कांग्रेस की झोली में जाएंगी। इस मौके पर सुमन अटवाल, सुरेंद्र गुप्ता, विनय और अमनदीप सहित अन्य मौजूद रहे। संसद में चुनाव हुए, उसमें जो केंद्र सरकार ने लोगों से 2014 में वायदे किए थे, 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, वो बिल्कुल नहीं है। भ्रष्टाचार मिटाने की बात की थी, या महंगाई की बात की थी, या एक सीट एक के बदले 10 लेने की बात की थी, ये सारी बातों पे जो केंद्र सरकार सत्ता में रही थी, तो इसने इसको लोगों के बीच में ला के ले गया और उससे 1% काम नहीं हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, आज पूरे हिंदुस्तान में चाहे यूपी है, चाहे बिहार है, चाहे तमिलनाडु है, 2-2 वर्ष की कुड़ियों के साथ जो है वो बड़ी दुखदाई और सुनवाई करना है कि सरकार के नेतृत्व में। और ये कह रहे हैं कि हमने मुलजिम पकड़ ली है, जिन्हें भी कोई बात है कि मुलजिम पकड़ ली है, नहीं पकड़ा, क्यों ये बातें लागू हुई भी इस तरह के लोगों में हवाला है। और जहाँ प्रदेश की बात है, प्रदेश में जो हमारी बहुत पीसफुल आजादियाँ था, भगवान से डरने वाले लोग थे, भोले वाले लोग थे, आज भी इसमें पिछले 6 महीनों में लगभग 40-45 रेप हुए, 100 के ऊपर जो है इसके ऊपर नशा लगभग हटने हो गई हैं। हमारे बीरपुर में ही आपके सामने ही यहाँ ये लड़की अभी गन्ने के गलू में उसकी हत्या करके लटका दिया गया। इस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, इनको लेकर हम जनता के बीच जाए। जनता पहले भी इसमें अपनी जो है सहानुभूति रखती है कि कांग्रेस के वक्त में इस तरह की अपराध नहीं हुए, इसमें पार्टी का पक्ष होता है, जो जितने की क्षमता रखता है उसी को, क्योंकि ये 3.5 दिनों का चुनाव होता है। अभी पता लग गया है, जासपुर का भी है, ऊना का भी है, वटेरा का पार्ट भी है, तो इसमें जो है वो सारी जगह से देखा जाता है। ये वहाँ से हो सकता है कि इस बार टिकट मीरपुर को आएगा, कई बार मीरपुर रहा, या उन लोगों को चला जाए या बिलासपुर को चला जाए, ये तो अब हाईकमांड के जो सर्वे हो रहा है और पार्टी जो संगठन जिसका नाम की गिरेगी उसी के हो रहा है। एक चुनाव होता है एक प्रोग्राम होता है जो पार्टी का होता है। कभी कभी जितेंद्र राणा जी जो है वो उन लोगों को जो उन्होंने अपनी संस्था बनाई है उनका एक लग सा, जैसे किसी को पहला मंडल को ये करना है, किसी को समाधान करना है, किसी को क्या बोलते धक्के होते हैं उसको देने होते हैं, उसे माने करना होता है, वो उनकी संस्था का प्रभाव होता है। अब उसमें कई हम भी आते हैं, कई दूसरे भी आते हैं, कई बार नहीं आते हैं, लेकिन जहाँ संगठन का प्रोग्राम होता है, चाहे राणा का हो चाहे नेताजी का हो, उसमें सब कुछ आता है। तो जब वो संस्था का प्रोग्राम करते हैं, बुलाते हैं, तो लोग भी आते हैं। जब धूमल जी भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो कोई ऐसा बड़ा कोई प्रोजेक्ट धूमल जी के लिए नहीं लाए कि हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट है। यहाँ इतने लोगों को परिवार को रोजी रोटी मिल रही है, या इतने परिवार जो है वो यहाँ नौकरी कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ये ठीक है सड़कें बड़ी, ये ठीक है कि दूसरे काम हुए, लेकिन मुख्यमंत्री का जो काम था वो नहीं हुआ। हम तो कह रहे हैं, अब ये लगे बोल रहे अपने आप। आज क्या है कि आज बीजेपी हमीरपुर के लोगों को भावनात्मक इससे बुलाना चाह रही है, खुद अपनी सरकार के विरोध में बात कर रहे हैं। इनकी अध्यक्ष जी ने स्टेटमेंट दी कि हमारे संगठन की बात नहीं सुनते हैं ब्यूरोक्रेसी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो धूमल जी ये बात बता दें कि मैंने अपने कार्यकाल में हमीरपुर जिले के लिए एक बहुत बड़ी नेमत लेके आए, हम मान देते हैं कि भेदभाव होता है,